हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी के एडजस्टमेंट पे। तो गाइस, इससे पहले वाले वीडियोस में लेक्चर्स पे मैंने बहुत सारे एडजस्टमेंट को कवर कर दिए हुए हैं और मैं आपको टोटल 30 एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ। एंड इसके बियॉन्ड मैं आपको कुछ हिडन एडजस्टमेंट भी बताने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको इस लेक्चर्स के अंत में यानी कि एंड में आपको मैं बताऊँगा इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, टॉप ऐसे एडजस्टमेंट जो आपके एग्जाम्स में कंपलसरी आते हैं और आपको अच्छा खासा मार्क्स दे सकते हैं अकाउंट्स के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के एडजस्टमेंट। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट। ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं अकाउंट में जहाँ पे एक प्रोप्राइटर्स को या तो एक पार्टनर्स को क्या करना होता है, इंटरेस्ट पेड करना होता है या तो इंटरेस्ट रिसीव्ड करना होता है, राइट, एंड द बिहाफ ऑफ द कंपनी भी हो सकता है या तो बिहाफ ऑफ द पार्टनर भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन गिवेन या तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और हिडन एडजस्टमेंट भी होते हैं इसके ऊपर। लेकिन आज हम जो सीख रहे हैं वो क्या है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल लोन और इन्वेस्टमेंट, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे इसको हम डीप में सीखेंगे, समझेंगे कि कौन सी एंट्री कहाँ पे पास होगी, इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं, इसके फर्स्ट सेकेंड इफेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते ही हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो बेसिकली क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जैसे मैंने बताया कि कोई भी जब कंपनीज होती है और कोई प्रोप्राइटर होता है जब वो लेके जाता है कोई पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है, कोई भी गुड्स हो गया या तो कैश हो गया, तो दैट टाइम कंपनी क्या कहती है कि उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है और ये इंटरेस्ट चार्ज होता है प्रोप्राइटर्स या तो पार्टनर्स पे। तो प्रोप्राइटर्स या तो पार्टनर जब पे करेंगे क्लास तो उनके लिए क्या हो जाएगा एक्सपेंसेस। जब सोल ट्रेडर्स या तो जो प्रोप्राइटर्स है या जो पार्टनर्स है अगर वो पेमेंट करते हैं तो उनके लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंपनी चार्ज करती है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ज करती है, तो उनके लिए कंपनी के लिए क्या हो जाता है ये इनकम, राइट। तो यहाँ पे मैंने दो पार्ट बता दिया है, एक तो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है, और सेकेंड थिंग कंपनी के लिए क्या हो जाएगा इनकम। तो हम फर्स्ट इफेक्ट इसका देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने दो कॉन्सेप्ट बता दिया है, एक तो पार्टनर्स का एक्सपेंस और कंपनी का इनकम। तो फर्स्ट इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा और या तो क्लास बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा कि कैपिटल से माइनस हो जाएगा और ड्रॉइंग में ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होगा, ये ड्रॉइंग में ऐड हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो ड्रॉइंग में ऐड होगा, कैपिटल से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। देन क्लास या तो क्या हो सकता है और कहाँ पे इसकी एंट्री बन सकती है, इसकी एंट्री और कहाँ पे बनती है पार्टनर कैपिटल। अगर मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है तो भी पार्टनर कैपिटल में जाएगा, फिर बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, फिर कहाँ जाएगा पार्टनर कैपिटल में, या तो क्लास पार्टनर कैपिटल या तो पार्टनर करंट अकाउंट, क्लियर। तो दो पार्ट है क्लास यहाँ पे समझने के लिए, एक तो देखो लायबिलिटी साइड में अगर आपको पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट हमने नहीं बनाया हुआ है तो दैट टाइम क्या होगा कि जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो लायबिलिटी साइड में जाएगा डायरेक्टली और वहाँ पे ड्रॉइंग से ऐड हो जाएगा और कैपिटल से लेस हो जाएगा, कोई एक ही करना है, या तो ड्रॉइंग में ऐड करो या तो कैपिटल से लेस करो, या तो आपने जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है तो पार्टनर कैपिटल में पास करो। तो पार्टनर कैपिटल और करंट में कहाँ पे जाएगा डेबिट साइड में, ठीक है, मैं यहाँ पे डी आर लिखा हूँ, दैट इज मीन डेबिट साइड में जाएगा। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट क्लास, अब आते हैं हम सेकेंड इफेक्ट में। मैं आपको ये तीनों टाइप से एंट्री पास करके बताऊंगा कि कैसी एंट्री हमें पास करनी है और उधर लिखना क्या है हमें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है लिखने का, ठीक है, और प्लस माइनस क्या होगा ये भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एडजस्टमेंट के अंदर। तो चलिए सेकेंड देख लेते हैं, यहाँ पे जो सेकेंड बनेगा क्लास वो जाएगा
प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है, सीआर दैट इज मीन क्रेडिट साइड, यहाँ पे साइड लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट बनते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के। चलिए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं फॉर्मेट बना के, तो कैसे होगा क्लास। फर्स्ट वन तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट साइड हो गया और ये डेबिट साइड हो गया, क्लियर। यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बना देता हूँ फर्स्ट इफेक्ट समझाने के लिए। बैलेंस शीट, यहाँ पे लायबिलिटीज, क्लियर। चलो तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा कि आपने इधर पे कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे पार्टनर्स होंगे, जैसे कि सपोज करो कि पार्टनर्स है एक्स, ठीक है, और दूसरा पार्टनर है वाई, तो उसका कैपिटल हो गया क्लास, ठीक है, कैपिटल एक्स का और कैपिटल वाई का, ठीक है, वाई का कैपिटल, दैट इज मीन्स, और यहाँ पे पहले से क्या है कि दुआएंगे, पहले से क्या है यहाँ पे दुआएंगे, ठीक है, और ये दुआइंग क्या होगा कि कैपिटल से माइनस होगा, तो आपको क्या करना है इसी दुआइंग के अंदर ना उसको ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन दुआइंग, ठीक है, ये होगा। सेम वैसे हम क्या करेंगे, y का भी करेंगे, ठीक है, ये तो x का हो गया, अभी y का भी, y में हमने क्या किया, पहले से ड्राइंग लेस किया हुआ है, ठीक है, फिर उसमें हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्लियर क्लास। तो ऐसी एंट्री पास होगी, यहाँ पे आपको कैपिटल गिवन होगा, ड्राइंग गिवन होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं। एंड सेकेंड इफेक्ट क्लास क्या होगा कि ये कंपनी का इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ये हो जाएगा क्लास। तो ये इफेक्टेड हो गए, ये मैंने आपको फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था वो समझाया हुआ है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस होगा या तो ड्रॉइंग में प्लस होगा। चलिए इसके कुछ एंट्री ले लेते हैं जैसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। एंट्री क्या होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, ठीक है, चलो एंट्री है क्लास, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट रह गया है क्लास की ड्राइंग। अभी आप लोग तो सोचो कि सर ड्राइंग तो कहाँ पे होगा, कैसे होगा ड्राइंग, आपका ट्रायल बैलेंस में ही गिवन होगा पार्टनर्स का, तो आपको क्या कहते हैं जितना अमाउंट गिवन है ड्राइंग का, ठीक है, उस पर आपको 10% चार्ज करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्या होता है क्लास, जब हम ड्राइंग की बात करते हैं और जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं तो ये आ जाता है आपका 6 मंथ, ठीक है, ये क्या हो जाता है 6 मंथ, ये मेंशन नहीं होगा आपको 6 मंथ, क्योंकि इंटरेस्ट कभी भी पूरे एक साल का नहीं होता, अगर होगा तो उसमें डेट मेंशन होता है। जब तक आपको कोई भी डेट मेंशन नहीं है तब तक आपको क्या करना है कि 6 मंथ लेके जाना है। अगर डेट मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब से चार्ज किया गया है तो आपको उसी डेट से उतना मंथ काउंट करना होगा 31 मार्च तक। अगर नहीं गिवन है, कोई भी हिंट नहीं गिवन है कि कब से स्टार्ट हुआ है या कब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया है, तब आपको क्या करना है अज्यूम करके चलना है कि ये 6 मंथ का होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा 6 मंथ के लिए ही होता है, ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि सर ये कैसे होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई मेंशन नहीं है, कोई भी डेट मेंशन नहीं है, तो आपको क्या याद रखना है कि 6 मंथ है, डेट मेंशन है तो आपको उतना मंथ काउंट करना है, क्लियर। तो चलिए अगर सपोज कीजिए कि जो अपने एक्स एंड वाई है उनका जो ड्राइंग है क्लास, ठीक है, एक्स का जो ड्राइंग है वो 2000 है और वाई का जो ड्राइंग है वो 3000 है, क्लियर। तो इस पे आप क्या करोगे, 10% निकालोगे लेकिन 6 मंथ के लिए। चलिए इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं हम लोग, तो वर्किंग नोट क्लास, इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग, ठीक है, एक्स पार्टनर का देखते हैं। फर्स्ट वन एक्स पार्टनर का, यहाँ पे ड्रॉइंग गिवन क्लास 2000, ठीक है, और उसका अपने को 10% निकालना है 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका 10% निकाल लेते हैं, तो दैट इज मीन्स क्लास यहाँ पे आ जाएगा 200, और इसका 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ मतलब क्या होता है कि हाफ, तो 200 का हाफ कितना हो जाएगा 100, क्लियर। ये हो गया एक्स पार्टनर का। सेम उसी तरीके से हम वाई पार्टनर का भी करेंगे। वाई पार्टनर का ड्रॉइंग गिवन है 3000 और उसका 10%, तो दैट इज मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 300, और इसका 6 मंथ, 6 मंथ मतलब कि हाफ, तो 300 का हाफ कितना होता है 150। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का वर्किंग नोट भी शो करना होगा एग्जाम में, और जब आप सम सॉल्व करते हैं तभी भी आप इसकी प्रैक्टिस करके देखो, क्योंकि जब हम वर्किंग नोट की प्रैक्टिस नहीं करते तो एग्जाम में भी अपने को वो हैबिट हो जाती है और टाइम फिर मैनेज नहीं हो पाता। तो चलिए क्लास इसका हम एंट्री देते हैं कि जैसे अभी यहाँ पे तो ड्राइंग मैंने बता दिया कि 2000 है और इसका हो गया 100 रुपीज़, और इसका 3000 और 150, ठीक है। अभी जो कैपिटल रहेगा उससे हम माइनस प्लस करेंगे, वो तो आपका नेक्स्ट कंसर्न हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से हम पास करते हैं, और यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स पार्टनर एंड वाई पार्टनर्स, इनर कॉलम में लिखेंगे 100 एंड 150 जितना भी अमाउंट आपका आएगा, एंड देन फिर इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे 250। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 250, क्लियर। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री पास कर दी क्लास। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंदी दिखता होगा आपको, लेकिन बहुत ही इजी सिंपल एंड सरल है क्लास, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा, और डेफिनेटली जब आप अकाउंट सॉल्व करते हो और कहीं पे भी कोई भी डाउट आए, वो कोई भी चैप्टर होने दो आपका, ठीक है, वो 11 का होने दो, 12 का होने दो, या डिग्री का होने दो, आप कोई भी डाउट मेरे से पूछ सकते हो। चलिए क्लास यहाँ पे अभी हमने कवर कर लिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इसके फर्स्ट सेकेंड इफेक्ट। चलिए तो अभी कैसे किया हमने, सिर्फ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड किया हुआ है, ठीक है। अभी बचा हुआ है पार्टनर कैपिटल और करंट, ये भी हम देख लेते समझ लेते। चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे पास होगा। तो चलिए क्लास यहाँ पे हम सीख लेते हैं अभी पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पार्टनर करंट कैपिटल और करंट दोनों बना दिया हुआ है, ठीक है, हम दोनों यहाँ पे सीख लेते हैं। तो बेसिकली क्या था कि आपका जो फर्स्ट सॉरी सेकेंड जो इफेक्ट था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है, राइट। एंड जो आपका वर्किंग नोट है सेम उसी तरीके से रहेगा, बस क्या चेंज होगा, आपकी एंट्री चेंज हो जाएगी क्लास। यानी कि हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पास किए थे, अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ना पास करते हुए हमें पास करना होगा पार्टनर कैपिटल में, ठीक है। अगर सपोज करो कि मैंने सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में मैं यहाँ पे पास करूँगा 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, और कितना है 100 एंड 150, इस हिसाब से मैं एंट्री पास करूँगा, समझ रहे हो क्लास। एंड सेकेंड थिंग, सेम इसी तरीके से जैसे हमने पार्टनर कैपिटल किया है, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि पार्टनर करंट अकाउंट में भी डेबिट साइड में पास करेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, और इसमें भी अमाउंट वही आएगा क्लास, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर हम पार्टनर कैपिटल बनाते हैं तो कैपिटल के डेबिट में, अगर करंट बनाते हैं तो करंट के डेबिट में, बाकी कुछ और चेंजेस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो चलिए, तो ये हो गया आपका कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर्सनल यूज, ठीक है, एक प्रोप्राइटर और एक पार्टनर के थ्रू। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको क्या बताया हुआ है कि पार्टनर के थ्रू, प्रोप्राइटर का हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट में डालेंगे, क्योंकि ना प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट बनता है ना करंट अकाउंट बनता है, क्लियर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड अपना, फर्स्ट तो हमने देख लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब आते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। अरे क्लास स्टार्ट करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। जैसा हमने अभी सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेम उसी तरीके से अभी हमें पास करना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप क्लास ये लेक्चर आपको समझ में आता होगा।
तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल जैसे आपको मालूम है कि जो भी प्रोप्राइटर्स होते हैं या पार्टनर्स होते हैं स्टार्टिंग टाइम में, यानी कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है, दैट टाइम जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बन जाता है कैपिटल अकाउंट, राइट। अब पार्टनर्स ने तो कैपिटल लेके आया हुआ है बिजनेस में, तो पार्टनर को उस कैपिटल पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब पार्टनर को रिसीव हो रहा है, क्लियर। या तो जो सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटर सिंगल पार्टनर है या सिंगल पर्सन है, वो उसने अगर कैपिटल लगाया तो उसको भी क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है ये कौन प्रोवाइड करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन या तो कंपनी प्रोवाइड करती है उस पार्टनर्स को या सोल ट्रेडर कंसर्न को या प्रोप्राइटर्स को, क्लियर। तो यहाँ पे पार्टनर्स प्रोप्राइटर्स को रिसीव होगा तो पार्टनर्स का इनकम होगा, और कंपनी जब प्रोवाइड करती है यानी कि कंपनी दे रही है तो कंपनी का एक्सपेंसेस होगा, तो क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बता दिया, एक तो इनकम बता दिया, दूसरा एक्सपेंस बता दिया। तो इसका भी फर्स्ट इफेक्ट देख लेते हैं कहाँ कहाँ जाएगा और सेकेंड इफेक्ट भी। तो फर्स्ट इफेक्ट जाएगा क्लास बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और ये हो जाएगा कैपिटल में ऐड, ठीक है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल में प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग क्लास पार्टनर कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्लियर। जैसा अभी हमने देखा था क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेम उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें पास करना होगा। तो चलिए इसका सेकेंड इफेक्ट देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें इंटरेस्ट पास करेंगे। तो चलिए किस तरीके से बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा क्लास सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, क्योंकि यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, प्रोवाइडेड कर रही है एट द रेट 10% पर एनम। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के तौर पे 10% ले रहा हूँ, आपके एग्जाम्स में 5, 6 या 7 या कोई भी परसेंटेज आ सकता है, ठीक है। चलिए तो अब इसकी एंट्री कैसे पास करना है, कास्टिंग कैसे करनी है इसकी, ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन क्लास आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सपेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट बना देता हूँ, रफली फॉर्मेट बना रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा या तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। तो ये हो गया बैलेंस शीट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लायबिलिटीज, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे पहला तो इफेक्ट मैंने बताया कि कल में जाएगा, तो मतलब जब आप पास करोगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सेम पार्टनर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, क्लियर। तो ये तो कैपिटल पहले से ही है, और यहाँ पे कैपिटल अमाउंट समझो 50,000 है और इसका 60,000 है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, और यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर। इस हिसाब से यहाँ पे एंट्री आएगी। अभी जो क्लास इसका अमाउंट है वो कैसे निकालेंगे, 50,000 का हम सीधा निकाल देंगे 10%, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे एक साल का कंसीडर करना है जब तक डेट मेंशन ना हो। अगर डेट मेंशन हो जाएगा तो वो हो जाएगा एडिशनल कैपिटल, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 50,000 का 10% देंगे क्लास, तो 5,000 यहाँ पे हम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे हैं, 10%, तो यहाँ पे 6,000, क्लियर। इसका अमाउंट लिखने के बाद भी, प्लस करने के बाद भी आपको इनर कॉलम में लिखना होगा, क्योंकि आगे नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस आएगा। इस हिसाब से यहाँ पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एंट्री पास होगी, और सेकेंड इफेक्ट होगा क्लास एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई, और अमाउंट आएगा इनर कॉलम में, दैट इज में 5,000 और 6,000, और उसको प्लस करके आउटर कॉलम में 11,000,
तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, क्लियर। अभी हमने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को समझा, बैलेंस शीट, और सेकेंड आप देखेंगे पार्टनर कैपिटल, ठीक है, पार्टनर, यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, या तो आपको बैलेंस शीट में होगा या तो पार्टनर कैपिटल में होगा, ठीक है, पार्टनर कैपिटल, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर एक्स वाई, ठीक है, एंड सो ऑन, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही आएगा क्लास कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो पार्टनर का इनकम है ना, तो इनकम कहाँ पे आता है, पार्टनर के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे भी मुझे बनाना पड़ेगा, इसको लिख देता हूँ मैं, पर्टिकुलर लिखना था यहाँ पे, पर्टिकुलर एक्स एंड वाई, ठीक है, चलो यहाँ पे लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बस इतने लिखना है क्लास। और जो आपका पार्टनर्स होगा X, उसका अमाउंट लिखना होगा 100 और Y का सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना निकाला है 5000 और 6000, क्लियर। इस हिसाब से आपकी एंट्री पास हो जाएगी, भले यहाँ पे पार्टनर कैपिटल क्यों ना हो क्लास, ठीक है, ये ऐसी एंट्री जाएगी, या तो अगर इधर करंट होता तो भी हम क्या करते, कई साइड में लिखते और यहाँ पे लिखते बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, करंट अकाउंट बनाया है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, इस हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री पास करनी है। तो ये हो गया कंप्लीट क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो सेकेंड वन था। तो आई क्लास ये दोनों आपको एडजस्टमेंट समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट करें। चलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, ये दोनों एडजस्टमेंट को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।